हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टार। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का क्लास 3 जो कि एसएससी जीडी का है। जैसे कि पिछले क्लास में हम सीख लिए थे कि 15 नंबर तक का क्वेश्चन बनाए थे, सॉल्व किए थे। आज जो है हम 16 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा। और क्वेश्चन जो है 16 नंबर का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आज का पूरा क्वेश्चन ही प्रस्तावित करने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखिए क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16 लग गया है, आप लोग देखिए और वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनता है तो हम बताते हैं। कहा गया है जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए, जोड़े जाए तो उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। ये एकदम लॉलीपॉप तरह की है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबको बोलो क्या, जब किसी संख्या के क्या संख्या पता है, जब पता नहीं है तो हम उसे पता करें, उसको निकालेंगे, ये तो काम करना है। तो देखिए इसका एक्स का मान लेते हैं, एक्स का 75% 75/100, यहां तक किसी को परेशानी है? किसी को परेशानी नहीं, परेशानी होगा तो बोलता है क्या, उसमें क्या जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है। जैसे एक बोला गया उसी तरह का जोड़ देंगे, जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है। तो माने कितना है एक्स, अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का बहुत आसान ही तरीका है, बस इसमें कुछ करना नहीं है, काट मार करना है, लेके आंसर चले जाना है। तो देखिए इसको गुणा करके एक्स से ये हो जाएगा 75 कितना हो जाए 100। फिर जो है देखिए ये प्लस है ये एक्स, देखिए ये एक्स वाले टर्म को एक्स वाले टर्म को एस कर लेते हैं, विदाउट ए टर्म वाले को उसको अलग कर लेते हैं। ये लिए एक्स जो है ये इधर आप प्लस में, इधर आके माइनस हो गया, ये 75 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 75। यहां तक किसी को परेशान, कोई परेशानी नहीं होगा। उसके बाद ये अब इसको सॉल्व करते हैं, नहीं कुछ तो इसके बटा में कितना है, एक है, और 100 और एक का जब हम एलसीएम लेंगे तो यह 100 ही होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये 100 में 100 भाग दीजिएगा निकल के आएगा एक, और एक को 75 एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 माइनस। अब 100 में 100 से क्या कीजिए, भागा दीजिएगा, कितना निकल जाएगा 100 बार में कटेगा, और 100 गुना एक्स कीजिएगा या 100 एक्स चले जाएगा, उसके बाद माइनस 75 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये 75 एक्स है माइनस 100 एक्स है, तो इसमें घट सकता है, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 25 एक्स, ये माइनस में 25 एक्स है, ये बच जाएगा 100, उसके बाद ये है माइनस 75 है या नहीं है, बिल्कुल है। अरे ये माइनस से ये माइनस कैसे हो सकता है, ये 25 से एक 25 और 25 दिया 75 हो रहा है, ये बच क्या रहा x, और ये भागा में उधर है क्या होगा, गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 300 मेरे मित्र, ये 300 इधर का। अब इसी का बोला गया है 40%। क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन दिखता होगा वहां पे बोला गया है वह जो संख्या आएगा उसका 40% संख्या कितना है, तो भाई संख्या कितना निकल के आया 300, ये 300 का कितना परसेंट 40%, ये 2 0 कितना आसान क्वेश्चन। और चलिए इसे मैं भारी भारी क्वेश्चन लगाता हूँ और आपको बनाना है, देखते हैं किस तरीके से आप बनाते हैं, नहीं बनेगा तो हम है बताते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 17 को लगाते हैं, देखिए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो रोक के बनाए होंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं इसको, देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा, 17 नंबर का क्वेश्चन वो देखने में बहुत छोटा है पर बहुत खतरनाक है या नहीं है,
चलिए इसको इसको बनाने का तरीका बताते हैं। इसका तरीका क्या होता है स्वर को लेते हैं। कहा गया है एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दो संख्याओं के योग का 25% 420 के बराबर है। तदनुसार वह दोनों संख्या में छोटा संख्या है। इसमें यह स्पष्ट पा गया इसमें छोटा संख्या कौन सा होगा। मेरे मित्रों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सब पहले से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं उसके बाद आपको ले जाता है। देखिए किसी भी संख्या बोला गया ये मुझे संख्या नहीं पता नहीं आपको पता पता है क्या नहीं पता है हम आपको बताते हैं। इसे मान लेते हैं एक्स। एक्स का बोला गया है 30%। बिल्कुल लिख लेंगे एक्स का 30%। इसी के बराबर में बोला गया है 40% एक्स का। 40% है नहीं मेरे मित्र। अब ऊपर ऊपर नीचे कटाने से बेस्ट है कि नीचे नीचे कटा लीजिए बॉर्डर के इस पार बॉर्डर को एक्सोस कर जाएगा और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये तो क्या हो गया यहाँ बोला गया है एक संख्या और दूसरी संख्या बोला गया है मेरे मित्र। तो यहाँ पर दूसरी संख्या यहाँ सेम संख्या नहीं होगा यहाँ पर दूसरी संख्या वह है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए x गुना 3 करेंगे ये हो जाएगा 3x। इसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे 4y। अब देखिए किसी ना किसी को पहले एक साइड को करना पड़ेगा उसके बाद ही तो बनेगा। तो देखिए मैं इसे x को इधर कर लेता हूँ ये हो जाएगा 4x अपॉन 3। इसे चलिए हम एक से सूचित करते या मुझे याद रहना चाहिए ये आपको आना चाहिए कि ये कहाँ पे है और कब हमको इसको यूज करना है सब हम आपको डिटेल से बताएंगे उसके बाद वो बताएंगे। उन दोनों संख्या के योग का 25% है। कितना था तो दोनों संख्या का योग दोनों संख्या x प्लस योग का मतलब जो x प्लस हुआ का कितना 25 हो गया। कितना है तो 420 है या नहीं बिल्कुल है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन को सॉल्व करने का देखिए या तो इसको इसको गुना कर लीजिए। तो चलिए हमको गुना कर लेते हैं ये हो गया 25x। जब 25x हो गया तो 25x में से ये 7 गुना होगा जैसे कि x को गुना करना है 25/x। मेरे मित्र को ये गुना होगा 25 से तो 25x ये हो जाएगा 25x बटन तो 100 लगा रहेगा वेरिक लगा रहेगा या नहीं लगा ये लगा रहेगा इसके लिए भी 100 लगा रहेगा और प्लस करेंगे ये हो जाएगा 25y और ये भी हो जाएगा 100 इसके बराबर हो जाएगा 420 हो गया या नहीं होगा। मेरे मित्र ये तो हो जाएगा उसके बाद चलिए एक और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं ये 100। अब जानते हैं कि सैमसंग है और ऊपर क्या करते हैं डायरेक्ट ले लेते हैं इतना समझाने का कोई जरूरत है नहीं और आप लोग को बढ़िया से ये सब आता होगा। जिसे नहीं आता वो सीख लीजिए उसे हम सिखा रहे हैं। ये 420 है 420। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ आपको दिमाग में चलता होगा कि 25x है 25 हुआ है बटे में 100 है। यदि 100 को इधर हम गुना कर देते हैं तो मेरा काम निकल के आता है। इसे हम हटा देते हैं इसको यदि यहीं से करना शुरू कर देते हैं तो चलिए ये हो जा रहा है कोमा ले लेते हैं तो ये हो जाता है 25 यहाँ हो जाता है x प्लस हुआ है। अब बराबर डायरेक्ट इसको गुणा कर देते हैं कर दें ये 42 एक जीरो प्रॉपर से डबल जीरो पड़ा। जब इसको भाई x प्लस हुआ है अब ये गुणा में इधर आके क्या होगा भागा हो जाएगा 42,000 में भागा देखिए 25 ये आपका कट जाएगा और कट जाएगा 1680 बार में कट जाएगा। कटा लीजिए आप एक्स प्लस वाई बराबर 1680
ये तो कह रहा है। अब देखिए मेरे मित्र, यही तो आपको वैल्यू दिया गया है। अब यहां से आपका वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई बराबर 1680, और एक्स का वैल्यू देखिए यहां पर दिया गया है, इसलिए आपको कैसे चिन्हित करके रख लीजिए। और चिन्हित करते हैं तो देखिए एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4y/3 प्लस कितना y बराबर 1680, यही तो होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे। उसके बाद इसको लिखिए, इन दोनों को ऐसे लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3 और ये लीजिए 4y। इसी तरह से इसको क्या कहेंगे, इसको x भगा देंगे 3 और 3 गुना x करेंगे, 3 गुना y करेंगे, ये हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 1680। अगला 1680 आ गया। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, 7y जुड़ जाएगा बटा में 3 है, ये हो जाएगा 1680 बोला। अब देखिए 1680 ये उधर है, क्या होगा, गुना हो जाएगा, बिल्कुल गुना होगा, इसको हटा देते हैं और इसको जो है गुणा कर लेते हैं, होगा हो गया नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और चलिए थोड़ा सा और एक स्टेप बच गया, तो यहाँ से देख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1680 गुना 3/7 किसके बराबर भाई, यहाँ पे देखिए ये y के बराबर बच जाता है, ये y से अब इसको भगा दे दीजिए, ये 1680 है, अब भगा दे दीजिए इसको, लीजिए 7 से कटेंगे 7 × 14, तो 14 कट जाएगा 2 बच जाएगा, 2 पर 8 कटेगा 28, जानते हैं 7 × 4 = 28, एक 0 दे दीजिए, 0 पर गया, और इसको जब कीजिएगा तो हो जाएगा 0, 4 × 3 = 12, 3 × 6 = 720, छोटी संख्या कितना निकल जाएगा 720। अब मेरे कैसे पता कि चलेगा ये छोटा ही है, तो छोटा है कैसे पता चलेगा, पता है देखिए यहाँ से 3 बड़ा है, 3 छोटा है और 4 बड़ा है ना, तो यही तो पता चल गया। और x जो है वो छोटा है तो हम जानते हैं कि x का वैल्यू y छोटा है तो हम निकाल लेंगे, जिसका पूछेगा उसका भी निकाल लेंगे, x का पूछे y का पूछे जिसका पूछे वो हम निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए और यदि आप इस चैनल पर इसे पढ़ रहे हैं मैथ स्टार पे, तो यहाँ पे ये चलता ही नहीं है, जब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको आना चाहिए, पर क्या एग्जाम्पल में इसे बनाइएगा, बिल्कुल नहीं बनाइएगा, ये ऑप्शन यहाँ से गलत, इसको फॉलो नहीं करना है भाई, फॉलो करना क्या है, ये तो सीखने भी आए यहाँ पे, सब चीज बताएंगे, ये आपको बताए एक तरीका है, बताए बनाने का ये तरीका है, क्या इससे हम एग्जाम पास कर सकते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन यदि हमको मिल जाए 4 क्वेश्चन, तो मुझे पता चलेगा कि ये 4 ही 5 क्वेश्चन में जो है ये 1.5 घंटा का समय लेके बैठ गया, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन का हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और इसको यूज करते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा वैसे तो भाई बनेगा कैसे, कोई तो तरीका तो अपनाना पड़ेगा, तो वही तरीका अपनाएंगे कैसे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 17 का दूसरा सेट है ना, चलिए 17 का टाइप नंबर 2 देख लीजिए, 17 का टाइप 2 देखिए, कहा गया एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद बोलता है उन दो संख्याओं के योग का 25% 420 के बराबर है, पकड़ी क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका सीख ली, जब आपको यह समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है तो खुद ही क्वेश्चन बन जाएगा, इसको बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग का 25% 420 के बराबर है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं में से छोटा संख्या क्या है, आइए समझ में नहीं आया,
देखिए आ जाएगा। दो संख्या पूछा गया ना, तो एक मान लेते हैं ये पहला संख्या और ये मानते हैं दूसरा संख्या, ये दोनों बराबर है। तो बराबर कितना से है? ये 30 से है और ये 40 है। 30% और 40%, देखिए प्रतिशत में है, यहाँ नीचे भी 100 और इधर भी 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, हो गया नहीं हो? अरे बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए जब इसको लिखेंगे अनुपात में ये हो जाएगा फोर रेशियो, इसको लिख सकते हैं इसमें फोर रेशियो लिख सकते हैं, बस यही लिखना था, बस क्वेश्चन में सॉल्व हो गया, आपको वैसे टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं। तो चलिए अब यहां यहां तक करना था। चलिए अब कर रहा है आगे अगला स्टेप, चलिए क्या कर रहा है, बोलता है वह दो संख्या का योग का 25%, योग का 25% पूछा गया मेरे लिए, योग का x प्लस y का योग तो हुआ x प्लस y, इसी का तो 25% पूछा है, 25% गुणा कर दीजिए 25%, जैसे 25% से करेंगे 25% हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, पर आपको हम बोले थे ये वाला ऑप्शन लाना ही नहीं है। विद्यार्थी देखेगा x प्लस दो बदल गया x प्लस y, अरे x प्लस y तो से क्या करना है, चलिए आगे निकालते हैं इसको, नहीं सोल्व करना है इसे। अब चलिए अरे यहां जाने के बाद आपको दिया गया है 25% बराबर ये 420 का दिया गया है, या दिया गया है या नहीं है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100% होता है या नहीं होता है, बिल्कुल 100% होता है मेरे दोस्त, ये 420/25 गुना 100 कटा दीजिए ना, 25 से 25 25 चौका 100 ये 0 और 4 × 8 अच्छा 4 चौका 100 पहले में देखिए पहला टाइप में जाके देखिए ये 480 अच्छा 1680 आ रहा था नहीं आ रहा था, 1680 आ रहा था या नहीं आ रहा था, तो बिल्कुल आ रहा था, पूछा किसका गया मेरे दोस्त, बोला गया है छोटी संख्या, इसमें देखिए छोटी संख्या है कौन, आपके अनुपात में छोटी संख्या है कौन, आप तो स्पष्ट कर सकते हैं कि ये छोटी संख्या है ये 3 है, है तो कर भी तो कोई बात नहीं है 3 से गुणा कर दीजिए, और आपको ये पता है कि अनुपात में जब उसको लेते हैं जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर और टोटल को जोड़ के नीचे आता ही नहीं आता, तो जिसके बारे में पूछा गया छोटा कौन है 3 है, अब इसको जोड़ के लिखना है 4 + 3 4 + 3 कितना 7, इसमें 7 से भाग, जब 7 से भगा दीजिएगा 7 × 7 7 × 14 7 × 8 280 280 नहीं होगा ये हो गया 240 240 गुना कितना 3 0 हो जाएगा 4 × 3 = 12 1 × 3 = 720 ये मेरे दोस्त ये आंकड़ा है, सिर्फ आपको हम सिखाने के लिए ऐसा किए, और आप देखिए पहला स्टेप में आप रेशियो निकाले और दूसरा स्टेप में आपका इंटरव्यू चला रहा है, यह सही है या नहीं, पिछले वाला से ये बिल्कुल सही है, और आपको ये मेथड फॉलो करना है एग्जाम हॉल में, और एग्जाम हॉल में आपको समझाने के लिए इसे बताए, आपको समझाना नहीं किसी को, डॉक्टर कभी देखे हैं किसी पेशेंट को समझाया कि बाबू रे ये टैबलेट इस काम का है, ये टैबलेट ये का, ये दवा ये इस काम में करेगा, लिखता है नहीं, जो दवा लिखता है वो सिर्फ मेडिकल वाले समझते हैं, तो आप जो लिखते हैं सिर्फ आप ही समझिए, दूसरे को समझाने का जरूरत ही नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कुछ आए हैं चैनल पे कुछ सीख के जाइए, बहुत ऐसा मिल जाएगा आपको,
बता देगा शॉर्ट में भाई ये इसको, दूसरे तरीका क्यों नहीं होगा, ऑप्शन तो उठ सकता है, क्वेश्चन तो उठ सकता है, दूसरे तरीका होगा कि क्यों नहीं, उससे भी कोई छोटा होगा जो हम फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में आप सेकंड मीटर का फॉलो कीजिएगा, अठारह का क्वेश्चन लग गया, आप देख लीजिए क्या कर रहा है। चलिए वीडियो जब मुझे बनाने से पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो रोके होंगे और बनाए होंगे। तो चलिए, कहा गया चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलो चीनी बचती है, चीनी की कुल मात्रा क्या था? कैसे क्वेश्चन समझा देता, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलो चीनी बचती है, तो चीनी की कुल मात्रा क्या है? तो मेरे दोस्त, इसका जो कहना था ये हम समझ गए हैं, आप नहीं समझे हैं तो आपको हम समझाते हैं। कोई भी 1 केजी हो, 5 केजी हो, 10 केजी हो, 20 केजी हो, 5 क्विंटल हो, 10 क्विंटल हो, वह अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100%। मैं पहला वीडियो में बता दिया है, पहला क्लास में, ये 100% होता है। अब यहां से बता दिया गया कि 5% भाग बिकने के बाद 5 किलो चीनी बचता है। तो देखिए 5% यदि बिकेगा तो बचेगा कितना, ये टोटल है, ये कितना टोटल चीनी है, इसमें से 5% जो है बिक गया तो बचा कितना, 95% बचा या नहीं बचा, बच गया। यही 95% बचने पर ये 5 किलो है, 5 केजी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो भाई ऐसे नहीं लिखना है। अब देखिए यहां तक सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ये लिखना है 95% बराबर में लिखिए ये 5 केजी, ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। ये हमेशा याद रखिएगा कि दोनों बगल जब भी रहेगा ये बचा बचा ही रहेगा, यदि इधर बचा है तो इधर भी बचा रहेगा, इधर खत्म रहेगा तो इधर भी खत्म रहेगा, ये कॉन्सेप्ट रहा है। उसके बाद भाई 95% बोल क्या रहा है, कुल मात्रा कितनी थी या कुल मात्रा कितना था, यही सवाल पूछ रहा है। तो चलिए, तो कुल मात्रा कितना है भाई साहब, 100% कुल मात्रा, 100% लिखेंगे। उसके बाद 5 केजी बटा 95%, उसके बाद गुना करेंगे 100 हो गया, इसको गुना कर काट देंगे, 5 से कटेंगे ये कट जाएगा 19 बार, 19 को भगा देंगे, 19 बचा 95, ये हो जाएगा 5, ये बच जाएगा 9, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा केजी। देखिए 5 × 5 = 19 केजी, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन 50 का 860% प्लस 807 का 50% किसके बराबर है? तो बढ़िया है भाई सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये 50 है, गुना कर दीजिए 860% मतलब 100 प्लस 860 गुना 50, ये तो है, इसके बराबर में कुछ नहीं कहा गया, कर दीजिए हो जाएगा। ठीक है, ये 2 0 2 0 कैंसिल, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, गुना कर दिए 56 30 अपना रहा 3 और 5 40 43, ये हो जाएगा प्लस में, ये भी तो वही होगा 430, दोनों को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 860। ये लिखें, आपको ऑप्शन वहां पर नहीं दिखता होगा, ऑप्शन आपको दो ही को ऑप्शन दिखता होगा, तो दो को ऑप्शन दिखता है
तो चलिए पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा वह 430 का दिख रहा है, 430 का। आपको दूसरा दिख रहा होगा बी नंबर, वह है 516। और आपको जो है वह तीसरा ऑप्शन है जो सी है 860 का, और चौथा है डी, वह है 960 का। अब आंसर क्या निकल के आया, तो आंसर निकल के आया है सी नंबर 860। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आपको इसे एसएससी जीडी में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखने में कागज नहीं देखने में छोटन लगे जखम करे गंभीर, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है आखिर खतरनाक क्वेश्चन है। तो चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करता है 1.25 रुपया 10 का कितना प्रतिशत है, किसका? आपको प्रतिशत में पहला ही वीडियो में बता दिया, और फर्स्ट टाइम बताए थे या नहीं बताए थे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब भी पूछेगा कितना में, आप जैसे हम बताए थे बोलेगा 10% कितना में, यह 100 में 10% बोला गया था, 10% बोलेगा यह 100 में 10%, इसका मतलब यह 10 होगा। यदि बोल देंगे 20%, 100 में 50 में 20 कितना ऊपर में, ठीक है। यदि बोल देंगे कि 100 में 30%, यदि बोलेंगे 30%, इसका मतलब 100 में कितना 30%, ये तो है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसको बोलेंगे वो ऊपर रहेगा और जिसको बोलेगा नीचे वो नीचे रहेगा। देखिए क्या करें, ये बोलेंगे 10 का कितना प्रतिशत है, सबसे पहले 10 लिखेंगे, उसके बाद 1.25 यही तो है, उसके बाद बोलेंगे जैसे बोलेंगे परसेंटेज करवा गुना कर देंगे, हो गया निकल के चले आया, ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे में डबल जीरो, जैसे डबल जीरो बचा इसको कटा दो, कर लिया। अब इसको दीजिए भागा, ये इसको जैसे भागा दीजिएगा तो एक कल का चला आएगा 12×120 5 और ये 10 आया ना, आया 12×120 12 में कटा, बचा कितना 5, नीचे कितना बच गया 10, फिर भूत एवर कट जाएगा 5×5 5×2 10 12 पूर्ण किया 1/2 ऐसा निकल के चल जाएगा, कितना आसान है। और जो है हर एक तीन वीडियो के बाद चौथा वीडियो जो आएगा वो रीजनिंग का आएगा, तीन क्लास खत्म जैसे होगा तो चौथा क्लास रीजनिंग का भी रहेगा। आपके चैनल पे मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाया जाता है, पर आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा, और आप लोग बढ़िया से देखते भी होंगे और आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाएगा और ये एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।